हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी मेरा नाम अर्जुन है और आज आपको दिखाने के लिए मेरे पास आई फोन थर्टीन है इस फोन को मैं कुछ टाइम से यूज़ कर रहा हूं और आज, आज आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा तो दीजिए जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता लग जाए इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसके बॉक्स कंटेंट्स दिखाऊँगा उसके बाद हम इसके सभी फ़ीचर्स की बात करेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं आईफोन 13 सीरीज में टोटल चार आईफोन्स आते हैं आई फोन थर्टी मीनी आई फोन थर्टीन थर्टीन प्रो और थर्टीन प्रो मैक्स प्रो मॉडल्स इस सीरीज के सबसे महंगे आई फोन है जो ट्रिपल कैमरा सिस्टम के साथ आते हैं आईफोन थर्टीन मिनी और थर्टीन में आपको ड्यूल कैमरा सिस्टम देखने को मिलता है मैंने आईफोन थर्टीन प्रो और थर्टीन प्रो मैक्स की फुल डिटेल वीडियो चैनल पर लगा रखी है आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं इस वीडियो में हम आईफोन थर्टीन के बारे में बात करेंगे और एंड में मैं आपको थर्टीन और थर्टीन प्रो के बीच के मेन डिफरेंस बताऊंगा आईफोन थर्टीन सीरीज के बॉक्स की बात करें तो प्रो सीरीज के मॉडल्स थर्टी प्रो और थर्टीन प्रो मैक्स का बॉक्स ब्लैक कलर में आता है जिसके फ्रंट साइड में आपको फोन की फोटो देखने को मिलती है आई फोन और थर्टीन मिनी का बॉक्स व्हाइट कलर में आता है जिसके फ्रंट साइड में आपको एग्जैक्ट फोन की साइज की फोटो देखने को मिलती है अब आईफोन के बॉक्स पर प्लास्टिक लगी हुई नहीं आती है क्योंकि एप्पल अपनी पैकेजिंग को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहा है बॉक्स खोलते ही अंदर आपको फोन एक लाइटनिंग टू एस सी केबल मिलती है जो व्हाइट कलर की आती है और इसकी लेंथ एक मीटर है इसके बाद एक सिम इजेक्टिव टूल वॉरेंटीन फो और एक एप्पल स्टिकर मिलता है इसके अलावा आपको बॉक्स में कुछ नहीं मिलता है तो चलिए दोस्तों अब इस फोन के बारे में बात करते हैं iPhone 13 का फॉर्म फैक्टर और डिजाइन दिखने में लगभग सेम iPhone 12 की जैसी है बैक साइड में जो नोटिसेबल डिजाइन चेंज है वो है कि आई 13 में ड्यूल कैमरा सिस्टम वर्टिकल की जगह डायग्निड है ये चीज सिर्फ आई 13 को 12 से डिफरेंट बनाने के लिए नहीं की गई है इसके पीछे एक कारण है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा इसके अलावा एक नोटिसेबल चेंज फ्रंट साइड में है वो है कि 13 की आई फोन की नोच आई फोन से ट्वेंटी छोटी की गई है और पूरा ट्रू डेप्थ कैमरा सिस्टम इसके हिसाब से रीडिजाइन किया गया है नोच छोटी की गई है पर सारा हार्डवेयर वही है तो फोन की फेस आई पहले की जैसे बिल्कुल फास्ट और सिक्योर है अब नोच में ईयर पीस आपको बीच की जगह ऊपर दिया गया है एक बार आपको फोन का पूरा वॉक थ्रू दे देता हूँ फोन के फ्रंट और बैक साइड में ग्लास का यूज किया गया है बीच में आपको एप्पल का लोगो देखने को मिलता है ऊपर की तरफ आपको कैमरा मॉड्यूल मिलेगा जिसमें डायगोनली अलाइन कैमरा है और इसका कारण है की आईफोन थर्टीन के वाइट कैमरा में आपको सेंसर शिफ्ट ओ मिलता है सेंसर शिफ्ट ओ के कारण व्हाइट कैमरा पहले से बड़ा है तो वर्टिकल अलाइनमेंट में कैमरा मॉड्यूल की साइज को बड़ा करे बिना फिट कर पाना पॉसिबल नहीं था इसलिए आईफोन थर्टीन में कैमरा वर्टिकल की जगह डायगोनली अलाइन किए गए हैं पहले सेंसर शिफ्ट ओ आई एस आई फोन ट्वेल्व सीरीज की सिर्फ प्रो सीरीज आईफोन ट्वेल्व प्रो और ट्वेल्व प्रो मैक्स में था थर्टीन सीरीज में सभी फोन में आपको सेंसर शिफ्ट ओएस मिलता है सेंसर शिफ्ट के बारे में मैं आपको कैमरा सेक्शन में डिटेल में बताऊंगा इसके अलावा कैमरा मॉड्यूल में नीचे आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक और ऊपर एक ड्यूल एलईडी फ्लैश मिलता है कैमरा मॉड्यूल का ग्लास मेट फिनिश के साथ आता है और नीचे वाला ग्लास ग्लोसिव फिनिश के साथ आता है ग्लोसिव फिनिश दिखने में बहुत अच्छा लगता है पर इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स जल्दी आ जाते हैं इस सीरीज के प्रो मॉडल्स 13 प्रो और प्रो मैक्स में इसका उल्टा है उसमें कैमरा मॉड्यूल में आपको ग्लोसिव फिनिश मिलता है और नीचे वाले ग्लास में मैट फिनिश मिलता है बाकी पहले की तरफ फोन के ग्लास पर आपको एप्पल की सीरेमिक्स मिलती है जिसमें ग्लास क्रिस्टल्स के ऊपर सिरेमिक कोटिंग की गई है और ये नॉर्मल ग्लास से चार गुना स्ट्रॉन्ग है पर ग्लास ग्लास होता है और गिरने पर टूट सकता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फोन पर आप कवर या स्किन का यूज करें फोन की फ्रेम हाई क्वालिटी एलुमिनियम से बनी है जिसके ऊपर आपको मैट फिनिश मिलता है और फोन के कलर के हिसाब से आपको फ्रेम पर कलर मिलता है एप्पल ने इस कलर का नाम स्टार दिया है जिसे आप व्हाइट कलर बोल सकते हैं इसके अलावा इस फोन में मिड ब्लू पिंक और रेड कलर आते हैं आईफोन थर्टीन के सभी कलर दिखने में अच्छे हैं और ट्वेल्थ से इसके कलर थोड़े लाइट और म्यूट किए गए हैं मुझे पर्सनली इसका स्टार लाइट कलर बहुत अच्छा लगा इस कलर के साथ फोन हाथ में लेके काफी प्रीमियम लगता है फोन साइड सेवन एम एम mm थिक है जो कि काफी स्लिम डिजाइन है फोन के लेफ्ट साइड में आपको ऊपर साइलेंट स्विच मिलता है इसके नीचे वॉल्यूम अप और डाउन बटन है वॉल्यूम बटन के बाद राइट की जगह लेफ्ट साइड में है क्यूँकी फोन अंदर से भी रीडिजाइंड है फोन के नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में एक माइक लाइटनिंग पोर्ट और एक स्पीकर देखने को मिलता है फोन के राइट साइड में ऊपर आपको एक बड़ा सा बटन मिलता है ऊपर से फोन बिल्कुल प्लेन है फोन में आपको फाइव सपोर्ट भी मिलता है और एल्यूमिनियम में से सिग्नल पास करने के लिए आपको फोन की फ्रेम पर तरफ एंटीना बैंड देखने को मिलते हैं फोन में पहले के जैसे फ्लैट डिस्प्ले है बॉक्सी फ्रेम के साथ जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है फोन के बैक साइड में आपको मैक्स फायरलेस चार्जिंग भी मिलती है तो ये सब था आईफोन थर्टीन की डिजाइन के बारे में मुझे इस फोन की डिजाइन बहुत पसंद आई फोन हाथ में लेके काफी प्रीमियम और सॉलिड फील देता है आईफोन 13 आई पी सिक्सटी एट सर्टिफाइड वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है जिसे 6 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक टेस्ट करके देखा गया है तो इस तरह के पानी से इस फोन का कुछ नहीं होगा बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जानबूझ के आपको फोन को पानी में नहीं डालना चाहिए क्योंकि कंपनी वाटर डैमेज की वारंटी नहीं देती है iPhone 13 में आपको 6.1 इंच की सुपर एटीना एस डी आर ऑल डिस्प्ले मिलती है जिसका इलेवन सेवेंटी बाई टी फाइव का रेजोल्यूशन है फोर सिक्स पर डेंसिटी के साथ ऑल डिस्प्ले के कारण आपको इस डिस्प्ले में ट्रू ब्लैक कलर्स देखने को मिलते हैं और जहां ब्लैक कलर्स होते हैं वहां के सभी pixels बंद होते हैं क्योंकि ऑलिड डिस्प्लेज में हर एक पिक्सल को इंडिविजुअली कंट्रोल किया जा सकता है इसके अलावा इस डिस्प्ले में एच डी और डोल बी भी मिलता है तो इस डिस्प्ले में काफी वाइब्रेंट और रिच कलर्स आपको देखने को मिलते हैं फोन में एस डी कंटेंट्स में आपको बारह सौ की पीक ब्राइटनेस मिलती है और आठ निट्स तक की ब्राइटनेस आपको हाई मोड में मिलती है जो कि बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस है और आउटडोर में फोन में, मिलती है। में आपको स्पीकर से मिलते हैं, एक ऊपर ईयर स्पेशल ऑडियो के साथ आते हैं तो आपको इस फोन में मूवीज और म्यूजिक सुन के ऐसा लगेगा की आपके चारों तरफ से आवाज आ रही है फोन की स्पीकर क्वालिटी मुझे जबरदस्त लगी और आई 12 से इसके स्पीकर स्लाइटली बेटर हैं। इसके अलावा आपको आईफोन 13 में नए लाइव वॉल पेपर्स भी मिलते हैं जिन पर टच करके होल्ड करने पर ये एनिमेट करते हैं तो डिस्प्ले के मामले में आपको बेस्ट डिस्प्ले आईफोन 13 में मिलती है आई 13 सीरीज में मेजर डिफरेंस इसके कैमरा में है फोन 12 से इसका वाइड कैमरा लेंस बड़ा है और पहले से बेटर लो लाइट फोटोज लेता है आई 13 में आपको एक प्राइमरी 12 मेगापिक्सल का एफ वन पॉइंटर का ट्वेंटी सिक्स एम माइक्रोन का वाइड कैमरा मिलता है आई फोन में ये वन पॉइंट माइक्रोन का था इसके अलावा इस बार वाइड कैमरा में ओ की जगह सेंसर शिफ्ट ओ आई है जिसमें कैमरा लेंस की जगह इसका सेंसर आपके मूवमेंट के हिसाब से हिलता है और आपको इस फोन से पहले से ज्यादा स्टेबलाइज वीडियो मिलती है ये टेक्नोलॉजी बड़े कैमरा में यूज होती है पर एपल ने इसे फोन के कैमरा में ट कर दिया है दूसरा कैमरा बारह मेगा पिक्सल का एफ टू पॉइंट फोर एफ का थर्टीन एम एम का कैमरा है जिससे आप वन ट्वेंटी डिग्री एंगल की फोटोज ले सकते हैं ये कैमरा सेम आईफोन ट्वेल्व सीरीज वाला है फोन के फ्रंट साइड में नोच के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का एफ टू पॉइंट टू एपिक्चर का ट्वेंटी थ्री एम का वाइड कैमरा मिलता है फोन में आप 4K वीडियो डोल एस डी आर में सिक्सटी एफ तक रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके साथ आप वीडियो में स्टीरो साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके अलावा आईफोन 13 सीरीज में आपको न्यू सिनेमेटिक मोड भी देखने को मिलता है जिसमें बड़े मूवी कैमरा के रेक फोकस के जैसे फोन का कैमरा अपने आप फेस पर फोकस करके बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है और वीडियो देखकर बिल्कुल सिनेमेटिक फील आता है सिनेमेटिक मोड मैंने आईफोन थर्टीन प्रो मैक्स की वीडियो में डिटेल में दिखाया है आप चाहें तो उसे देख सकते हैं आईफोन थर्टीन का मुझे बेस्ट लगा और वीडियो के मामले में आईफोन के जैसा कोई कैमरा नहीं है पर 13 की वीडियो रिकॉर्डिंग और भी ज्यादा अच्छी है ये इस फोन के कुछ फोटो सैंपल्स से हैं जो मैंने इस फोन से लिए हैं ये इस फोन की फोर की वीडियो है फोन में आपको एप्पल की नई ए फिफ्टीन बाइन चिप मिलती है जो 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बनी है इतनी सी चिप में आपको 15 बिलियन ट्रांजिस्टर्स मिलते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डिजाइन किए गए हैं इस चिप के अंदर 6 कोर का सीपीयू स्कौर है जिसमें 2 हाई परफॉर्मेंस कोर्स है और 4 हाई एफिशियंसी कोर्स है इस चिप में एप्पल का नेक्स्ट जनरेशन आर्किटेक्चर है जो सीपीयू के कोर्स पहले से और बड़े ढंग से हैंडल करता है ये चिप बाकी फोन से फिफ्टी फास्ट है इस चिप में एप्पल का फोर कोर का जीपी है जो ग्राफिक्स को बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल करता है इसका जीपी बाकी फोन से तीस बढ़िया ग्राफिक्स हैंडल करता है इस चिप में एप्पल का न्यू 16 कोर का न्यूरल इंजन है जो एक सेकंड में 15.8 ट्रिलियन ऑपरेशंस कर सकता है इसके अलावा इस चिप में न्यू वीडियो इनकोडर और डिकोडर है न्यू इमेज सिग्नल प्रोसेसर है जो फोटो से रिलेटेड प्रोसेसिंग करता है और न्यू डिस्प्ले इंजन है जो डिस्प्ले को कंट्रोल करता है तो ये सब थे इस चिप की टेक्निकल चीजें अब मैं आपको फोन का बेंच टेस्ट करके दिखाता हूँ बेंच के लिए मैं गीक बेंच फाइव ऐप यूज कर रहा हूँ इस एप में आप इसका मॉडल नंबर प्रोसेसर और रैम चेक कर सकते हैं बेंच के टाइम ये ऐप आपके फोन में कई तरह के प्रोसेस और एलगोरिदम्स रन करती है जो आपके फोन की प्रोसेसर की फुल पावर का यूज करके एंड में आपको रिजल्ट शो कर देती है जिन्हें आप बाकी फोन से कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि आपका फोन परफॉर्मेंस वाइज का स्टैंड करता है आईफोन 13 में सिंगल कोर में 1708 और मल्टी कोर में डबल फोर फाइव वन स्कोर्स मिलते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया स्कोर्स है, है नीचे आप इसके मॉडल नंबर मदरबोर्ड और इसके प्रोसेसर के बारे में जान सकते हैं ऊपर सिंगल कोर और मल्टी कोर टैब पर क्लिक करके आप इस फोन के स्कोर्स बाकी फोन से कंपेयर कर सकते हैं इस फोन के सिंगल कोर में एवरेज स्कोर वन आते हैं नीचे आप आईफोन थर्टीन प्रो और प्रो मैक्स के सिंगल कोर स्कोर्स देख सकते हैं जो सात या नौ पॉइंट ज्यादा है मल्टी कोर में इस फोन के एवरेज स्कोर फोर तक आते हैं नीचे आप देख सकते हैं आई फोन थर्टीन प्रो मैक्स के मल्टी कोर में सबसे ज्यादा स्कोर्स है जो की फोर है थर्टीन प्रो और थर्टीन प्रो मैक्स में सौ से डेढ़ पॉइंट का फर्क आता है और उसका कारण है की प्रो मॉडल्स में दो एक्स्ट्रा रैम है ये डिफरेंस वैसे कोई ज्यादा नहीं है आई फोन थर्टीन सीरीज के सभी फोन की ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस है आई फोन थर्टीन में आपको चार जीबी रैम मिलती है जो कि ए फिफ्टीन चिप और इसके ओएस के लिए सफिशिएंट है बाकी फोन चलने में मुझे बिल्कुल स्मूथ लगा इसमें आप आराम से फोर की वीडियो सिक्सटी एफ पर प्ले कर सकते हैं हाई एंड गेम्स के ग्राफिक्स भी ये फोन काफी बढ़िया तरीके से हैंडल करता है फोन इंटरनली रिडिजाइंड किया गया है तो इसमें आपको आई 12 से 425 सौ बड़ी बैटरी मिलती है जो कि टोटल 3240 सौ एमएच की है आई 12 के मुकाबले में मुझे इसका बैटरी बैकअप नॉर्मल यूजेज में लगभग लग डेढ़ लग से दो घंटे एक्स्ट्रा लगा नॉर्मल यूजेज में आप इस फोन को एक बार चार्ज करके डेढ़ दिन तक आराम से चला सकते हैं और हैवी यूजेज में एक दिन तक आराम से चला सकते हैं आई फोन में आपको फास्ट चार्जिंग भी मिलती है फास्ट चार्जिंग के लिए आप एप्पल का बीस वोट का अडेप्टर अलग से परचेज कर सकते हैं मेरे पास मैकबुक का चार्जर है तो मैं इसे यूज करके मेरा फोन चार्ज कर लेता हूँ ये सिक्सटी वन का अडेप्टर जिसमें चार अलग अलग वोट की आउटपुट है तो आप इससे भी अपने आईफोन को फास्ट चार्ज कर सकते हैं फास्ट चार्जर से आप इस फोन को तीस मिनट में फिफ्टी परसेंट तक चार्ज कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि iPhone 13 और इस सीरीज के प्रो मॉडल 13 प्रो के बीच में मेन डिफरेंस क्या है पहला डिफरेंस है कि iPhone 13 के डिस्प्ले में आपको हाई ब्राइटनेस मोड में 800 सौ की ब्राइटनेस मिलती है और 13 प्रो में हाई ब्राइटनेस मोड में आपको हजार की ब्राइटनेस मिलती है बाकी दोनों फोन्स में एच डी आर कंटेंट्स में आपको बारह सौ निट्स की सेम पीक ब्राइटनेस मिलती है सेकेंड डिफरेंस है की आई फोन में फोर जीबी रैम है और आईफोन थर्टीन प्रो में सिक्स जीबी रैम है थर्ड डिफरेंस है की आई फोन में फ्रेम एल्यूमिनियम की है और थर्टीन प्रो में फ्रेम स्टेनलेस स्टील की है स्टील एलुमिनियम के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है फोर्थ डिफरेंस है कैमरा का आईफोन थर्टीन में ड्यूल कैमरा सिस्टम है और थर्टीन प्रो में ट्रिपल कैमरा सिस्टम है इसके अलावा आईफोन थर्टीन में व्हाइट कैमरा न्यू है पर थर्टीन प्रो का वाइट कैमरा न्यू तो है ही पर थर्टीन से और भी ज्यादा लाइट कैप्चर करता है आईफोन फोन थर्टीन में अल्ट्रा वाइट कैमरा सेम है पर थर्टीन प्रो में न्यू अल्ट्रा वाइट कैमरा है जिसमें न्यू ऑटो फोकस सिस्टम है जिससे थर्टीन प्रो और थर्टीन प्रो मैक्स में न्यू मैक्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन मिलता है इसके अलावा प्रो मॉडल्स में एक्स्ट्रा टेलीफोटो कैमरा मिलता है जिससे आपको थ्री ऑप्टिकल जूम मिलता है प्रो मॉडल्स के कैमरा के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मेरे आईफोन 13 प्रो मैक्स की वीडियो देख सकते हैं उसमें मैंने डिटेल में कैमरा के बारे में बताया है फिफ्थ डिफरेंस है कि आई 13 थर्टीन प्रो के डिस्प्ले में आपको एप्पल की प्रोमोशन डिस्प्ले मिलती है जिसकी रिफ्रेश रेट रिफ्रेशन से वन ट्वेंटी है और डिस्प्ले चलने में स्मूथ लगती है पर आई फोन में नॉर्मल सिक्सटी हर्ट की डिस्प्ले है लास्ट डिफरेंस है बैटरी का आईफोन थर्टीन में कैमरा मॉड्यूल छोटा है तो थर्टीन में एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है जिसके कारण आईफोन थर्टीन की बैटरी आईफोन थर्टीन प्रो से एक सौ पैंतालीस एम बड़ी है तो आपको आई फोन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप मिल जाता है तो इस वीडियो में हमने जाना कि आई 13 में आई 12 से वाइड कैमरा अच्छा है आई 13 की नोच आई 12 से 20 परसेंट छोटी है इसमें एपल की न्यू चिप है जो कि 12 की चिप से लगभग 20 से 25 परसेंट फास्ट है 13 में न्यू सिनेमैटिक मोड है आईफोन 13 का बैटरी बैकअप आई फोन ट्वेल्व से डेढ़ से दो घंटे तक एक्स्ट्रा है इसके अलावा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है अगर आप अभी आईफोन इलेवन या उससे नीचे का आईफोन यूज कर रहे हैं तो आप आईफोन थर्टीन ले सकते हैं पर अगर अभी आप आईफोन ट्वेल्व यूज कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको अभी नेक्स्ट आईफोन का वेट करना चाहिए और थर्टीन सीरीज को स्किप कर देना चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता लग जाए अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं मैं आप सबके रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद